ज्यादातर विद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ऑनलाइन क्लासेस भी लगने शुरू हो गए हैं, जिस पर छोटे छोटे बच्चे कोविड-19 को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। नगर में ज्यादातर स्कूलों ने अब ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था शुरू कर दी है, क्लासेस भी शुरू कर दिए गए हैं। विद्यालय स्टाफ द्वारा नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप पर ग्रुप वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिए जाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण कोविड-19 से बचाव के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों के प्रबंधकों का मानना है कि कोविड-19 के बचाव के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। ऐसे में स्कूलों में आने वाले बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी गई है, जिसकी मदद से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे कोविड-19 के लिए किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। महाभारत फैला हुआ हम भारत में रहते तो तापते बाहर खेलने नहीं रहते, हमें कोविड-19 कोरोना वायरस का सिर्फ और सिर्फ बचाव ही इलाज है। छोटे छोटे बच्चे भी हाथों को धोकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुद को कोरोना संक्रमण से तो बचा ही रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों को भी कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा है घर में रहे सुरक्षित रहे, बार बार अपने हाथों को धोए, सैनिटाइजर से साफ करे, चेहरे पे मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सुरक्षित रहे। हम सबको मोदी जी की बात का पालन करना चाहिए, ऐसा करके हम सब कोरोना से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। जय नमस्ते। अच्छा बोलो मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। आगे इमली। फिर से बोलो। फिर से बोलो। ई से इमली। 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 सर आपने कभी स्कूल में कार्यक्रम किया है ऑनलाइन कार्यक्रम, क्या था ये कार्यक्रम? हमने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कराई हुई है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कराए हुए हैं, जिसमें मैंने बच्चों को एक क्लास दिया था। इसमें बच्चों को जो कोविड-19 है उसके लिए मैं वासियों को अवेयर करना था कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक कार से घर से बाहर ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को धोएं, किसी से बात करते टाइम या कहीं निकलते टाइम मास्क का यूज करें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जिसके ऊपर बच्चों ने हमको वीडियो बना के भेजा हुआ है, उसके फोटो बना के भेजा हुआ है। सर ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ाई की जा रही है? हमने बच्चों के लिए एक ऐप डेवलप करवाया है, जिससे बच्चों के पास में पर डे एक वर्क शीट जाता है, जिसमें बच्चों के लिए वर्क होता है कि बच्चे को पूरे दिन में क्या वर्क करना है। उसके बाद पेरेंट्स मेरे को वो सबमिट करता है वर्क, जिसको मेरे क्लास टीचर है जो भी उसको चेक करते हैं, उसको सबमिट करने के बाद उसके हम अपलोडिंग करते हैं। जो सबसे बेस्ट करता है उसके लिए लास्ट में जैसे अपना लॉकडाउन खत्म होगा या स्कूल कंटिन्यू होगा तो उस पर बच्चों को अवार्ड भी दिया जाएगा, जो सबसे बेस्ट ऑनलाइन अपना।